तो स्टूडेंट देखिए, जानकारी बहुत ही आपके लिए खास है, लेकिन जब आप फिर बाद में सिस्टम को कोसते हैं, आप कहते हैं कि सिस्टम ही ऐसा है जहां आपका एडमिशन रद्द हो जाता है, तो आप वो गलती उस समय ना करें। तो इसलिए मैं आपको पहले ही टाइम से पहले आपको वीडियो दे रहा हूं, तो आप ये सब चीज़ें अपनी पूर्ति करा लें और अपने आप को पूरा इंश्योर करें कि आपका फॉर्म अच्छी तरह से, मतलब कि वो जब आपका हेलो स्टूडेंट्स, मैं जो आपके लिए ये वाली वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि जैसे ही नवोदय विद्यालय का रिजल्ट रिलीज होता है तो आपके मन में एक क्वेश्चन होता है कि भाई क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए और रिजल्ट के बाद का प्रोसेस क्या होता है। तो मैं आपको दोनों ही इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक जो नवोदय विद्यालय से जो एक लेटर आता है आपको, वो मेरे पास है। ये कैसे मेरे पास है इसकी आप पुष्टि ना करें, या मैं फिर भी बता देता हूँ। एक बच्चा था, वो कभी नवोदय में नहीं गया था किसी कारणवश, तो उसका मेरे पास था। तो मैं आपको इसके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके, मतलब जानने होंगे, मतलब आपको क्या क्या तैयार करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सौमित और आप है माँ शारदा कोचिंग, जो नवोदय स्पेशलिस्ट, जो नवोदय एडवाइजर आपका चैनल है। तो सर, सबसे पहले जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा या आता है, तो आपको एक जो आपकी ऑनलाइन आप रिजल्ट चेक करेंगे, वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपका रिजल्ट आ चुका है। तो आपको फिर इसमें करना क्या है कि आपको कुछ नहीं, वहां नवोदय को 3-4 दिन बाद ये नोटिफाई करा दिया जाता है कि आपके विद्यालय में इस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है। तो वहां से नवोदय विद्यालय आपको एक इस तरीके का आपको एक, ठीक है ना, लेटर देगा। ठीक है ना, आपको ये बाय पोस्टमैन आपको ये लेटर आता है। इस लेटर को आने पे आपको क्या करना है कि इसको जो जितना भी है इसको इसको डली फिल करना होता है, या फिर इस लेटर को लेके आपको नवोदय विद्यालय एक बार आप जा सकते हैं, वहां से आप सलाह लेकर आ सकते हैं कि मुझको इसको क्या क्या करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें करना होता क्या क्या है। देखिए, आपके पास एक प्रेफरेंस आ रहा होगा, मैं इसको फिर भी यहां से पढ़ के सुना रहा हूं। इसमें लिख रहा है कि भाई महोदय, आपको शहर से सूचित किया जाता है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आप इसको पढ़ लेना। यहां बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या जरूरी होते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जो लेटर होता है ये, ठीक है ना, आपको इसको पूरी तरह भर के नवोदय विद्यालय में लेके जाना होता है। ये आपके 10 से 12 पेजों का लेटर है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको इसको भरना है क्योंकि जितनी आपको जानकारी आती है, और उसके बाद इसमें आपको यदि आप किसी ओबीसी या फिर आप एससी में आते हैं, तो आपके पास अपना जो सर्टिफिकेट है, मतलब कि आपका जो ये, मतलब जाति प्रमाण पत्र होता है, वो आपके पास आपको ऑलरेडी होना चाहिए। तो यदि आपका नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए अपने ये ओबीसी और एससी के सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद आपको जो कक्षा 8 के जो परिणाम होते हैं, जो आपका रिजल्ट है, ठीक है ना, उसकी आपको जो एक फोटो कॉपी, ठीक है ना, वो आपको रखनी है। मतलब आपको ओरिजिनल भी रखना है, ठीक है ना, ओरिजिनल वहाँ आपको वेरिफिकेशन के लिए दिखाना होगा। और देखिए, इसके बाद मैं आपको जो वीडियो लेकर आऊँगा, मैं आपको लेकर आऊँगा कि नवोदय विद्यालय में जो बच्चे का इंटरव्यू होता है वो किस तरीके से होता है, क्या उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, यदि आपको सच में वीडियो चाहिए तो हम उसको आपको दे देंगे। तो ठीक है, तो आपको 8th क्लास का आपको रिजल्ट और उसकी फोटोकॉपी आपको उस समय पे आपको चाहिए होती है। आपको उसकी टीसी, देखिए टीसी में कई बार आप लोग पहले ही कटा लेते हैं, क्योंकि कई बार ये आपका जो रिजल्ट है ना, वो आप मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं दे पाते हैं, तो इस कारण आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाता है। तो प्लीज आप टीसी पहले ना कटवाएं, जब भी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, आपको उसको पहले नहीं कटवाना होता है। जब सारा सब कुछ प्रोसेस पूरा हो जाता है, तब आपको एडमिशन के समय पर वो टीसी कटवा के आप ले जा सकते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको नवोदय की तरफ से भी आपको एडवाइस करा जाता है।
तो देखिए आपको वो टीसी की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको भी नहीं करवाना है। उसके बाद आपको इसका एक बच्चे का मेडिकल फिटनेस कराना होता है। मेडिकल फिटनेस में आपको मैं इसमें आपको दिखा दूंगा अभी कि आपको मेडिकल फिटनेस में आप इसको पूरे पूरे इसे लेटर को आपको खोल के दिखाऊंगा इसी वीडियो में, आप देख लेना अभी। तो आपको मेडिकल होता है, मेडिकल जब आप नवोदय विद्यालय का जो एक कोई भी आपके पास जैसे नवोदय विद्यालय आपका जिस ब्लॉक में होता है उसी ब्लॉक में जो वहाँ का आपका ये होता है मतलब कि मेडिकल जो आपका ये मतलब अस्पताल होता है ठीक है ना, उस अस्पताल में आपको वो अपना मेडिकल कराना होता है अपने बच्चे का, वहाँ वो उसको भर के आपको देना होता है। उसके बाद आपको चार फोटो आपको पासपोर्ट साइज के आपको तैयार रखने होते हैं ठीक है, वो आप तुरंत आप जब भी करा लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कक्षा 6, 7, 8 जो मतलब विद्यालय वो कहाँ था, वो मतलब रूरल था या अर्बन था ठीक है ना, क्योंकि नवोदय विद्यालय में रूरल और अर्बन इनका लेकिन रूरल का 75% रिजर्वेशन होता है। तो देखिए उसको आपको बताना होगा कि आपको उसमें सर्टिफिकेट आपका तहसील की तरफ से जारी होता है, मतलब उसको आपको लेके जाना है कि आपको जहाँ पर ये बात कहनी है मतलब आपको ये सब मतलब कि वहाँ देना है अपने उसमें सर्टिफिकेट में कि बच्चा रूरल है ठीक है ना, क्योंकि यदि अर्बन है तो उसको तो बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने कोई रिजर्वेशन लिया ही नहीं है ठीक है ना। तो आपको रूरल को सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा और आपको यदि मतलब कि जो भी है मतलब आपको ओबीसी वगैरह की सर्टिफिकेट और आपको आधार कार्ड ठीक है ना। कई बार एक क्वेश्चन होता है कि भाई बच्चों को पूछा जाता है कि या उसकी जन्म मतलब कि वो लगेगा मतलब कि उसमें आधार कार्ड लगेगा या फिर कुछ और जन्म के लिए जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, इस तरीके का क्वेश्चन होता है। तो यदि आपके पास आधार कार्ड है तो उसे आप करा लीजिए और जो आपने फॉर्म में डेट भरी है डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में उसको करा लीजिए क्योंकि आधार कार्ड ही आपका जन्म प्रमाण पत्र मान लिया जाएगा ठीक है ना। ऐसा नवोदय विद्यालय में है अभी तक प्रेजेंट में ठीक है। और आपको विद्यालय की जो मान्यता है विद्यालय की मान्यता की छाया प्रति मतलब विद्यालय मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ये नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरने से पहले भी आपको इन्फॉर्म किया जाता है, आपको इस बारे में बताया जाता है ठीक है। तो मैं आपको इस फॉर्म पे लेके चलता हूँ कि ये फॉर्म आपको किस तरीके से कहाँ कहाँ भरना है ठीक है ना, चलते हैं। फेस होता है पहला पेज जो उस फॉर्म का होता है जवाहर नवोदय विद्यालय ठीक है ना, यहाँ से आपको उसका नाम बच्चे का अभ्यर्थी का आधार कार्ड नंबर आपको ये लिंक उसमें आपको ये सब बताना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे वो जिस स्कूल में बच्चा पढ़ा है उस स्कूल के बारे में आपको जानकारी देनी होती है और यहाँ पे जो स्कूल है मतलब कि उसको आपको यहाँ पे मतलब कि स्कूल जो जिला विद्यालय निरीक्षक और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है वो यहाँ पे आपको साइन करेगा क्योंकि बिना साइन के आपको मतलब कि एडमिशन नवोदय विद्यालय में नहीं दिया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये दूसरा प्रीफेस होता है इसका, दूसरे प्रीफेस में आपको यहाँ पे बच्चे का वही आपको नाम और आपको मतलब कि कितना उसमें एक प्रकार से आपका मतलब प्रार्थना पत्र होता है कि हम उसमें प्रवेश लेना चाह रहे हैं, तो आपको प्रवेश लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपना ये एक प्रकार से आपका एप्लीकेशन है ठीक है ना। तो इस एप्लीकेशन को भी आपको इसमें भरना होता है और यहाँ पे आपको सब चीज़ वही दी जाती है जो जो आपको दिख रहा होगा ठीक है ना, आपको यहाँ पे सब कुछ अपना सब कुछ ये डिटेल देनी होती है ठीक है ना। उसके बाद आपका जो अगला जो इसका पेज होता है वो आपका होता है अभिभावक द्वारा एक घोषणा पत्र होता है ठीक है ना, एक दो अभिभावक द्वारा ये मतलब डिक्लेयर किया जाता है कि ठीक है उसमें क्या होता है कि आपको उसमें ये किया जाता है कि मैं अपने बच्चे को कि मतलब कि कॉलम नंबर 2 में दी गई जितनी भी जानकारी है वो सही है, तो ये सब आपको इसमें भरना होता है। और उसके बाद आपको मतलब कि इससे आगे का ये वाला हिस्सा आपका वहाँ मतलब कि ऑफिस में भरा जाता है जो आपका घोषणा पत्र होता है, या बस आपको यहाँ तक की ये घोषणा करनी होती है ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अगला जो होता है हमारा वो छात्र छात्रा के अभिभावक की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, मतलब वो आपका एक प्रकार से आय के बारे में पूछते हैं, जो आपके माँ बाप हैं उनकी कितनी आय है ये आपको इस वाले उसमें आपको प्रीफेस में पूछा जाता है ठीक है ना। परिवार की मासिक आय कितनी है ये सब, क्योंकि नवोदय विद्यालय में आप एक बात ध्यान रखिए
यदि आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम या फिर उसमें कुछ क्राइटेरिया है आप नवोदय विद्यालय में जाकर पूछ सकते हैं, उससे कम है तो आपका बच्चे को एक भी रुपए की फीस पूरे 6 से लेकर 12वीं तक नहीं देनी है। तो आप इसको पहले ही जानकारी अपने में जुटा के रखें। उसके बाद आपको जो होता है इसमें इसमें वचन पत्र होता है, यहाँ पे भी आपको कि इसे मतलब इस पर पिता और यदि पिता जीवित ना हो तो अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर होते हैं, इसके बारे में भी मैं अपने आप को बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको एक साल के लिए बाहर भी आपको पढ़ना पड़ सकता है। तो इस पर मैं अलग से स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको इसके बाद आपको इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये भी आपका घोषणा पत्र होता है, ठीक है ना, ये भी आपका, तो इसमें भी आपको इसको भरना होता है। इसमें कहा जाता है कि मैं अपने मतलब कि जितनी भी सब जानकारी सूचना पत्र में दे रहा हूँ मतलब वो मतलब सब टोटल सही वगैरह हैं, और इस तरीके से आप इसको पढ़ के भी आप इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो देखिए अब मेरे पास है ये वाला, ये यहाँ पे ये होता है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये हेल्थ आपका हेल्थ मतलब सर्टिफिकेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको इसको पूरा भरना होता है एकदम, मतलब आपको नहीं भरना होता है, ये जो आपका मेडिकल जो डिपार्टमेंट होता है जो ब्लॉक का जो, तो उसको ये भर के देता है, ठीक है ना, वहाँ से इसको भरवा लिया जाता है और वहाँ से आपको ये सब टोटल जानकारी आपको मतलब कि नवोदय विद्यालय में भी जमा करानी होती है। तो इसके बाद आपका जो ये होता है ये आपका ये भी आपके सब यहाँ पे जो मतलब कि मैं प्रमाणित करता हूँ, यहाँ पे भी एक प्रकार से घोषणा दी जाती है, ठीक है ना। आपको इसको बनने के बाद यहाँ पे फिर प्रधानाध्यापक के लिए निर्देश होते हैं कि भाई जो उपरोक्त सूचना है भारतीय जवान नवोदय विद्यालय हेतु, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल के साइन होते हैं, मतलब ये वहाँ ये इंटरव्यू के दौरान जब वो बच्चा प्रिंसिपल से मिलता है ये उस दौरान प्रिंसिपल उसके बाद साइन करता है फाइनल, और वहाँ से बच्चा आगे एडमिशन के लिए प्रोसेस कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक जो बच्चे के मतलब कि कौन कौन उस बच्चे को ले जा सकता है या कौन कौन उस बच्चे का मतलब कि हाँ वहाँ पे अंडरटेकन करेगा, तो ये आपको वो जानकारी यहाँ पे देनी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको आपको फोटो एक मतलब जिसको भी आप तीन जनों को कर रहे हैं, चाहे आप मम्मी, चाहे अपने पापा, चाहे आप किसी और एक अंकल भैया ताऊ चाचा जिसका भी एक लगाना चाहते हैं वो आपको देनी होती है जानकारी, ये आपका यहाँ पे काम आता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये हो जाता है और उसके बाद आपको ये मतलब मैं वो आपको दिया जाता है ये तहसील से बनवाया जाता है रेसिडेंस का, ठीक है ना, मतलब कि आपको ये मतलब कि आपको ये बताना पड़ता है कि वो रूरल है या अर्बन है, इस तरीके से वहाँ एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। तो ये थी आपको नवोदय विद्यालय से संबंधित जो आपको पहले ही तैयार रखनी है जानकारी, ठीक है। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे यदि नए हो तो आप नवोदय विद्यालय से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत प्यार आपको, थैंक यू।